हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि जब हम गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट क्रिएट करते हैं तब हमें पेमेंट मेथड में कुछ इश्यू देखने के लिए मिलते हैं। उसमें सिर्फ कुछ डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड ही सपोर्ट होते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि कौन से डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट होते हैं। तो गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें डॉलर में पे करने के लिए होता है। तो डॉलर में पे करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। तो देखो, इंटरनेशनल कार्ड इंडिया में ऐसे सिर्फ तीन ही बैंक हैं, जैसे ICICI, IDBI, HDFC। अगर सपोज आपके पास इन तीनों भी बैंक में से एक भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तब आप इजीली गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर सपोज नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से या फिर फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो कि इनके पास तीनों भी कार्ड है या फिर नहीं है। अगर सपोज आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता तो मैं आपको अपने फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, क्योंकि उसने ही मेरा गूगल प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट करके दिया था। बट वो आपसे कुछ चार्ज करेगा, नियर अबाउट 500 रुपीज। ओके, मैं आपको अभी भी रिकमेंडेड करता हूँ, आपको सबसे पहले सर्च करना है कि आपके पास है कि नहीं है। अगर सपोज आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा तभी मेरे फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करना है, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, वो आपका गूगल प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। ओके, तो आई होप गाइस अभी आपका सोल्यूशन मिल गया होगा कि गूगल प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें कौन से डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। एंड अगर आपके पास इन कार्ड का भी ऑप्शन नहीं है तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया, आप मेरे फ्रेंड से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।